रुद्रपुर में इनामी आरोपियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान में एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि 1 साल 10 माह से फरार चल रहे इनामी आरोपी को एसटीएफ और थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस ने छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार राजकुमार निवासी फुल सुंगा ने थाना ट्रांजिट कैंप में शिकायत दर्ज करते हुए कहा कि 20 फरवरी 2022 को आरोपी दीपांकर स्वाहा किसी काम के लिए उसका छोटा हाथी वाहन मांगकर ले गया था, लेकिन कई दिनों तक जब उसका वाहन वापस नहीं किया गया तो उसकी तलाश शुरू की गई। काफ़ी खोजबीन के बाद वाहन का पता नहीं चलने पर थाना पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। आरोपी का सुराग नहीं लगा तो एसएसपी द्वारा आरोपी पर 25,000 का इनाम रखा गया। वहीं पुलिस की जांच के दौरान आरोपी की लोकेशन छत्तीसगढ़ में मिली, जिस पर एसटीएफ टीम द्वारा आरोपी को छत्तीसगढ़ के थाना गांधीनगर जनपद सरगुजा से गिरफ्तार किया गया है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर और एसटीएफ की कंबाइंड एक एक्टिविटी थी, कंबाइंड कार्रवाई थी। उसमें ये एक बड़े अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, जिसपे पूर्व से 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। और ये शातिर किस्म का अपराधी है, लगातार अपने ठिकाने ये बदल रहा था। तो इसमें कुछ मैनुअल इनपुट भी था और कुछ इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की भी हम लोगों ने सहायता ली। और इन दोनों चीज़ों की मदद से एसटीएफ और जनपद पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें इसको छत्तीसगढ़ क्षेत्र से हमने गिरफ्तार किया और आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये भी बात इसमें उल्लेखनीय है कि ये लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था और नाम पता बदल करके छत्तीसगढ़ में ये रह रहा था। तो इसकी गिरफ्तारी से निश्चित रूप से पुलिस में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा लोगों का, और इसे मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि जो भी अपराध करेगा वो किसी भी दशा में पुलिस की गिरफ्त से बाहर नहीं है। उसको हर हालत में जो है उसको अरेस्ट किया जाएगा और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।